नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित वीडियो सीरीज लेकर मैं हूं आपके साथ आगाज सिंह। अभी तक आप लोगों ने छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के 11 चैप्टर्स पर आधारित वीडियोस देख लिए होंगे और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी में उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ हो रहा होगा। यह छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का अंतिम वीडियो है और इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। देखिए, 11वें चैप्टर के बाद जितने चैप्टर्स हैं, अगर उसका हम एनालिसिस करें, उसका विश्लेषण करें, तो हम ये पाते हैं कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स वहाँ पर नहीं है, लेकिन वो चैप्टर इम्पॉर्टेंट ज़रूर है क्योंकि उसमें बहुत सारे योजनाएं दिए गए हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं, स्कीम्स के उद्देश्य हैं, उनके फीचर्स हैं, उनके जो लेटेस्ट फैक्ट्स हैं, ट्रेंड्स हैं, वो सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उसमें फैक्ट नहीं है। जितने फैक्ट्स हैं, जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उस पर आधारित हम एमसीक्यू इस वीडियो में देखते चलेंगे, लेकिन वो चैप्टर इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। मेंस पर्सपेक्टिव उसकी इम्पॉर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव की तुलना से। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले 12वें चैप्टर की। 12वां चैप्टर आधारित है छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र पर। ग्रामीण क्षेत्र पर चैप्टर का शीर्षक है ग्रामीण विकास। अब इस चैप्टर पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो इस चैप्टर में दी गई है उस पर नज़र डाल लेते हैं और इस पर आधारित प्रश्न भी हम साथ में ही सॉल्व कर लेते हैं। जानकारी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से और इसे आप मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है उस पर नज़र डाल लेते हैं और फिर उसके बाद इसकी जानकारी पर, इस इमेज पर हम लौट कर आएंगे। क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राज्य के समस्त जिलों पर, ध्यान दीजिएगा जो यहां पर जो ट्रिकी वर्ड है वो है समस्त जिलों पर, राज्य के समस्त जिलों में कब से प्रभावशील है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब इस इमेज पर हम चलते हैं और देखते हैं कि कब से प्रभावशील है ये मनरेगा स्कीम राज्य में। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु, किस लिए? ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु ये स्कीम लाया गया। ठीक है, कब लाया गया देश में? तो 2005 में लाया गया, जो कि दिनांक है 7 सितंबर 2005। राज्य की बात नहीं हो रही है, इस स्कीम की बात हो रही है कि स्कीम अस्तित्व में आया ही कब। चलिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4(1) अंतर्गत राज्य में, ध्यान रखिएगा, राज्य में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। अगर प्रश्न पूछा जाता कि यह स्कीम राज्य में कब से प्रारंभ की गई है, तब उसका सही उत्तर हो जाता 2 फरवरी 2006। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिएगा, ये इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं होगा। क्यों, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से प्रथम चरण में 11 जिले, देखिए प्रथम चरण में 2 फरवरी को जब राज्य में शुरू किया गया तब 11 जिलों में मात्र इस योजना को लाया गया। ठीक है, और वह प्रथम चरण था। द्वितीय चरण में क्या किया गया? तो द्वितीय चरण में दिनांक 1 अप्रैल 2007 से 4 जिले, द्वितीय चरण में 4 जिले, तारीख है 1 अप्रैल 2007। अब तृतीय चरण पर हम आते हैं। तृतीय चरण में दिनांक 1 अप्रैल 2008 से राज्य के समस्त जिलों में योजना प्रभावशील है। तो तीन चरण में ये योजना राज्य में प्रभावशील हुआ, पहले चरण पर 11 जिले, दूसरे चरण पर 4 जिले और बाकी बचे हुए जो जिले थे वो तीसरे चरण पर आते हैं। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में संपूर्ण रूप से अगर इस योजना को प्रभावशील हम देखते हैं, संपूर्ण जिलों में अगर हम इसको प्रभावशील होता हुआ देखते हैं, तो वह कब से देखते हैं? तो 1 अप्रैल 2008 से। और प्रश्न पूछा गया है कि यह योजना राज्य के समस्त जिलों में कब से प्रभावशील है, तो जाहिर सी बात है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर बन जाता है वह बन जाता है 1 अप्रैल 2008। क्लियर है? तो समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से इस योजना पर आधारित अलग अलग महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं और प्रश्न किस तिथि के बारे में पूछा गया है, इसे सही तरीके से समझे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जा सकता, इसलिए थोड़ा सा स्पेसिफिक रहेंगे इस जानकारी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पर नजर डालते हैं। यह मनरेगा स्कीम पर ही आधारित ये इमेज है, ये टेबल है और उसी पर आधारित ये प्रश्न भी है।
प्रश्न कहता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कितने लाख मानव दिवस मनरेगा के तहत सृजित हुए, मानव दिवस अर्थात मैन डेज, इसका क्या तात्पर्य है? तो कितने लोगों को, मान लेते हैं एक्स लोग हो और कितने दिन तक, तो वाई दिन तक, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, तो एक्स वाई। या फिर आप ये मानकर चलिए कि तीन लोग हैं और तीन लोगों को चार दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया, तो मैन डेज कितना हो जाएगा इस आधार पर, 12 मैन डेज या फिर 12 मानव दिवस। क्लियर है? चलिए, तो कितने लाख मानव दिवस मनरेगा के तहत सृजित हुए, तो इस टेबल पर हम आते हैं क्योंकि यह संपूर्ण या पूरे वित्तीय वर्ष की जानकारी इस टेबल पर या इस कॉलम पर दी गई है। जो इसके पहले वाला कॉलम है ये 18-19 के वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक की कहानी है, अर्थात 6 महीने की कहानी है, और पूरे वित्तीय वर्ष की अर्थात पूरे 12 वर्ष की जो जानकारी है वो इस टेबल पर दी गई है, और 2019-20 में जो 6 महीने की जानकारी हमें इस टेबल पर देखने को मिलेगी। अब 2018-19 पर आधारित ये प्रश्न है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, पंजीकृत परिवार, कितने परिवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया मनरेगा के तहत, तो 37.34 लाख परिवारों ने मनरेगा के तहत पंजीकरण करवाया। रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या क्या रही, तो देखिए इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और इतने परिवार अर्थात 24.32 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया इस योजना के तहत। उपलब्ध राशि कितनी थी करोड़ में, तो 3,202 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया गया इस योजना के लिए, जिसमें से व्यय किया गया तकरीबन 31 लाख कुछ, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले जानकारी पर, और यह जानकारी इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है। सृजित मानव दिवस लाख में 1,369.48 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं वित्तीय वर्ष 2018-19 में, जिसमें से जो महिलाओं की संख्या थी, जो महिलाओं का प्रतिशत था वो कितना था, 50%। क्लियर है? मनरेगा को इसीलिए महिला सशक्तिकरण के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में महिलाओं की भागीदारी इतनी ज्यादा मनरेगा की वजह से ही बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं कि देखने को मिलती है। ठीक है, लगभग 50% का मामला है, लगभग आधा का मामला है। अब इस प्रश्न के उत्तर पर आ जाते हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन बी, 1,369.48 लाख मानव दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आधारित है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, इंग्लिश में इसे कहा जाता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। किस तरीके का प्रश्न दिया गया है, तो बहुत ही चित परिचित पैटर्न है ये, योजना कब से शुरू हुई, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, और इसीलिए इसी पैटर्न को समझाने के लिए मैंने भी इस तरीके का प्रश्न महत्वपूर्ण योजनाओं पर आधारित अपने इस वीडियो में शामिल किया है। चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत हुई है दिनांक 1/4/2013 या फिर 1 अप्रैल 2013, तो सही उत्तर ऑप्शन बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस योजना में वित्त पोषण जो किया जा रहा है, इस योजना में जो खर्चे आ रहे हैं, उस खर्चों का भार किस तरह से बांटा गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य, उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। बहुत देर बाद ये ब्लैक कलर जो है मेरी पकड़ पर आया, नहीं तो बार बार क्लिक करने से भी ये व्हाइट हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, केंद्र और राज्य के मध्य 60.40 का अनुपात है, अर्थात जो खर्च होंगे, जो वित्त भार होगा, जो वित्त पोषण होगा, उसमें केंद्र का भार या केंद्र कितने हिस्से का भार वहन करेगा, तो 60% भार वहन करेगा और राज्य सरकार के जिम्मेदारी में 40% भार चलाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे, इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जाता है कि राज्यों का कितना अंश होगा या राज्यों का कितना भार होगा और केंद्र की क्या जिम्मेदारी होगी, तो इस तरीके के जो फैक्ट दिखेंगे उसे भी याद कर लेंगे महत्वपूर्ण योजनाओं के। क्लियर है, यह समझने के बाद जाहिर सी बात है हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमारे सामने ये जो जानकारी है ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर है।
गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना अच्छे सड़कों के बिना संभव नहीं है। बिल्कुल सत्य बात। अगर अच्छे सड़क नहीं होंगे तो गांव अछूते रह जाएंगे शहरी विकास से, या फिर मॉडर्न जो डेवलपमेंट होंगे उससे अछूते रह जाएंगे। लोग गांव में ही रहेंगे, जो सुख सुविधाएं या फिर जो अच्छे फैसिलिटीज शहरों में हैं वो गांवों तक नहीं पहुंच पाएंगे और ना गांव के लोग बाहर पहुंच पाएंगे। तो अगर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है, उसको बेहतर करना है, मजबूत करना है, तो गांवों की पहुँच शहरों तक होनी चाहिए ताकि गाँव का पिछड़ापन शहर की वजह से दूर हो सके। क्लियर है? तो इस उद्देश्य से, या सड़कों के बिना संभव नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इसी उद्देश्य से इस योजना को लाया गया, जिसे आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब इस योजना के उद्देश्य के साथ प्रारंभ की थी। अभी सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र एवं IAP अर्थात इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, ऐसे जिले जो बहुत ज़्यादा पिछड़े या फिर नक्सल प्रभावित जिले, उनका सिलेक्शन किया गया और उनके डेवलपमेंट के लिए इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान लिया गया, तो उन जिलों की बात यहाँ पर हो रही है। तो सामान्य क्षेत्रों में 500, आदिवासी क्षेत्रों एवं IAP जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी 12 मासी सड़कों से जोड़ा जाना है। ध्यान रखिएगा, ये संख्या याद रखिएगा, सामान्य क्षेत्र 500, आदिवासी क्षेत्र एवं IAP जिले 250। क्लियर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 25/12/2000। ठीक है? अतः भारत सरकार द्वारा 25/12/2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई। तो यहाँ पर डेट तो नहीं दिया गया है, लेकिन वर्ष दिया गया है और वर्ष हमें दिखता है 2000 ऑप्शन ए में, और इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर भी हो जाता है ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है। सड़क योजना तो हमने देख लिया, अब ये जो प्रश्न है ये आधारित है प्रधानमंत्री आवास योजना से। आवास मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है और इंदिरा आवास योजना के स्थान पर 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संचालित की जा रही है। कब से? 1/4/2016 से। किस योजना के स्थान पर यह योजना आई? तो इंदिरा आवास योजना के स्थान पर यह प्रधानमंत्री आवास योजना लाया गया। योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 में 3,48,960 आवास निर्माण को लक्ष्य की पूर्ति के लिए राशि 4,30,874.9 लाख का एलोकेशन निर्धारित है और इस योजना अंतर्गत राशि का अनुपात 60:40 निर्धारित है। ठीक है? जो रेशियो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों के मध्य वो 60:40 का है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि सत्य कथन हमें चुनना है यहां पर इस योजना पर आधारित, इस योजना के संदर्भ में। प्रधानमंत्री आवास योजना इंदिरा आवास के स्थान पर 1 अप्रैल 2016 से संचालित की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये कथन। ठीक है? और योजना अंतर्गत राशि का अनुपात 60:40 निर्धारित है। क्लियर है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों ही कथन इस योजना पर आधारित जो इस प्रश्न में पूछे गए वो सत्य है। आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 13 पर पहुंचते हैं। तो चैप्टर 12 पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उस पर हमने बात कर ली, लेकिन आप लोगों को यह सुझाव है कि आप स्वयं भी उस चैप्टर को एक बार खुद से पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो चैप्टर 13 किस पर आधारित होगा? तो चैप्टर 12 अगर ग्रामीण विकास पर आधारित था तो चैप्टर 13 जो होगा वो नगरीय विकास पर आधारित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जनगणना के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार, इसे थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर लेते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार नगरी जनसंख्या का प्रतिशत है। इमेज पर चलते हैं, देखिए राज्य की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 क्या था? 2,55,00,000। क्लियर? अब तो यह 3 करोड़ के आसपास भी पहुंच गया है। और जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत दिखेगा वो इस रो पर है। कुल जनसंख्या में नगरी जनसंख्या का प्रतिशत है 23.2
0.24%। इसका क्या तात्पर्य है कि 76.76% ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस इमेज के माध्यम से हमने क्या खोजा, 23.24%, जो कि दर्शाया जा रहा है ऑप्शन डी में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी इमेज पर आधारित हम इस प्रश्न पर बात करते हैं। यह प्रश्न क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ में कुल शहरी आबादी कितनी है। पहला जो प्रश्न था वो जनसंख्या प्रतिशत पर था, और यह जो प्रश्न है वो किस पर आधारित है, तो कुल संख्या पर आधारित है। तो भाई 2,55,00,000 का 23.24% कितना होगा, तो 59.3 लाख होगा, 37 लाख होगा। ठीक है? तो सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन बी, 59.37 लाख। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से इस टेबल पर नजर आप डाल लेंगे। और भी कुछ चीजों पर जानकारी आप लोगों को तो होगी ही कि दशकीय जनसंख्या कुल वृद्धि कितना था, ये सारी चीजें आप लोगों ने स्टैटिक पोर्शन में तो पढ़ी ही होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर नगरी निकाय पर आधारित ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर नगरी निकायों की संख्या दी गई है, नगर पालिका निगम आर्थिक सर्वेक्षण में 13 दिया गया है, बट अब 14 हो चुका है। ठीक है? लेकिन हम आर्थिक सर्वेक्षण पर बात कर रहे हैं, तो सिर्फ आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर ही बात करेंगे। नगर पालिका की संख्या 43 और नगर पंचायत की संख्या 109 और कुल निकायों की संख्या कितनी हो जाएगी, 165। क्लियर है? प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था, बात करते हैं। नगर निगम के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, पढ़ते हैं इन सारे कंटेंट को। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ठ के अधीन बृहत्तर नगरी क्षेत्र, लघुत्तर नगरी क्षेत्र तथा संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए क्रमशः नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था है। गठन की बात की गई है, तो गठन कहां पर, तो आर्टिकल 243 था, तो 243 था दिखता है ऑप्शन डी में, और इस प्रकार से ये इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए देखते हैं कि संविधान के किस किस संशोधन पर और भी जानकारी दी गई है इन निकायों पर आधारित। तो संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन नगरीय निकायों को अनुसूची 12 शेड्यूल 12 में दर्शित दायित्वों का निर्वहन किया जाना है। तो दायित्वों की जानकारी कहां पर दी गई है, तो संविधान के अनुच्छेद 243 में। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरी व्यवस्था के प्रबंधन एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु अनुच्छेद 243 के अधीन प्रत्येक नगरी निकाय हेतु जनता द्वारा चुनी गई नगर निगम, नगर पालिका परिषद, पंचायत की व्यवस्था। तो जनता के द्वारा चुनी गई ये जानकारी आर्टिकल 243 द। क्लियर है? तीन हमने अनुच्छेद देख लिए, महत्वपूर्ण अलग अलग चीज देख ली कि इन इन अनुच्छेदों में क्या क्या उल्लेख किया गया है इन निकायों के संदर्भ में। चलिए, तो अब हम एक और अनुच्छेद पर बात करते हैं, वित्तीय प्रशासन निकायों का। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243 में करारोपण टैक्स लेवाई करने का, करारोपण द्वारा राजस्व वसूली का अधिकार नगरी निकायों को प्राप्त है। किस अनुच्छेद में, तो 243 भा। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। और प्रश्न तो हमने पढ़ा नहीं, तो प्रश्न भी पढ़ ही लेते कि संविधान के किस अनुच्छेद में नगरी निकायों को करारोपण का अधिकार प्राप्त है, और वह है संविधान के अनुच्छेद 243 भ। क्लियर है? तो इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था, इसलिए इस पैटर्न को हमने वीडियो में शामिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 14 पर चलते हैं, जो कि आधारित होगा शिक्षा पर। तो चलिए इस चैप्टर पर आधारित प्रश्न देखते हैं जानकारी के साथ। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जानकारी। तो भारत सरकार द्वारा अगस्त 2004 से, कब से, अगस्त 2004 से सर्व शिक्षा अभियान के पृथक घटक के रूप में, ठीक है, एक डिफरेंट कंपोनेंट के रूप में दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में निवासरत
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इस योजना को लाया गया। प्रश्न कहता है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना कब से संचालित है, तो इसका उत्तर क्या होगा? अगस्त 2004, जो कि आपको सबसे पहले लाइन पर दिख रहा है, अगस्त 2004 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, इसका गठन कब हुआ, यह प्रश्न है। तो इसका गठन हुआ है, आप देख रहे होंगे इस आखिरी लाइन में, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का गठन 20 जुलाई 2001 को हुआ है। ऑप्शन ए 20 जुलाई 2001। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक सूचकांक 2018-19, छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा के स्तर, या फिर आप ये कह सकते हैं प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर में क्या रिपोर्ट कार्ड है, किस तरह कितने बच्चे एनरोल्ड हो रहे हैं, कितने स्कूल जा रहे हैं, कितने छोड़ रहे हैं, उनकी जानकारी इस शैक्षिक सूचकांक 2018-19 में दर्शाई गई है। प्रश्न देख लेते हैं कि शैक्षिक सूचकांक 2018-19 के अनुसार माध्यमिक स्तर की बात हो रही है, ग्रॉस एनरोलमेंट अनुपात कितना है, GER, तो ग्रॉस एनरोलमेंट कितना है, 98.76। क्लियर, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 98.76। नेट एनरोलमेंट कितना है, तो 93.76, और जो ड्रॉप आउट का रेट है वो कितना है माध्यमिक स्तर पर, 0.85%। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर पहुंचते हैं, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम पर आधारित ये प्रश्न है। तो सबसे पहले तो ये कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि योजना लाया क्यों गया। क्लियर है, क्यों स्कूलों में भोजन दिया जा रहा है बच्चों को, क्या भोजन देने का उद्देश्य सिर्फ उन्हें पोषण प्रदान करना है या कुछ और भी उद्देश्य है उसके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन पर, थोड़ी सी मेहनत जाते जाते करते जाइए। देखिए, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2018-19 में लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या है, तो देखिए 2018-19 की बात हो रही है और लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या है 30.51 लाख छात्र, तो सही उत्तर इस प्रश्न का है 3.51 लाख छात्र। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बालिका प्रोत्साहन योजना क्वेश्चन देख लेते हैं फिर उसके बाद आएंगे। बालिका प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल परिवार की छात्राएं हितग्राही होंगी, क्रॉस चेक करते हैं इसी में से। ठीक है, देखिए योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल परिवार तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की समस्त छात्राएं योजना की हितग्राही हैं और इसके बारे में जानकारी इस कथन पर नहीं दिया गया है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राएं भी इस योजना के बेनिफिशरीज होंगे, हितग्राही होंगे। तो इस प्रकार से ये जो पहला कथन हमें दिखता है, ये पहला कथन क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। ठीक, तो दूसरा कथन देखते हैं। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रुपए की छात्रवृत्ति की पात्रता है इन्हें। तो देखिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कितने रुपए की छात्रवृत्ति, 3,000 रुपए की, तो केवल 2 सही होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, क्योंकि पहला जो कथन है वो गलत है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर पर आ जाते हैं, स्वास्थ्य चैप्टर 14 पर हम उतना ही क्वेश्चन देखेंगे, उतना ही कंटेंट देखेंगे। फिर से एक बार कह दूं कि स्वयं भी आर्थिक सर्वेक्षण उठाकर एक बार उस चैप्टर से ग्रो तो हो जाइएगा, अगर मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए इस वीडियो का। तो देखिए वीडियो के माध्यम से या जो भी चीज हम बताते हैं या मैं बता रहा हूं या कोई भी टीचर आपको जो भी चीज बताता है, तो उसके पीछे जो मूलभूत आइडिया होती है उसे पहचानने की जरूरत है। कोई भी टीचर आपको मार्गदर्शन प्रदान करता है,
पढ़ना आप ही को पड़ता है, राह में मार्ग में चलना आप ही को पड़ता है। एक टीचर अपने अनुभवों के माध्यम से, अपने इतने लंबे समय के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से वो सही रास्ता को पहचानता है, जिस रास्ते पर चलकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो चाहे आप कोई सा भी वीडियो देखें, चाहे ये वीडियो देखें, चाहे कोई कोर्स का वीडियो देखें या किसी के भी वीडियो देखें, ये मानकर चलिए कि उस वीडियो को देखने के बाद भी आपको स्वयं ही मेहनत करना होगा। वीडियो मात्र ही मात्र आपको गाइडेंस प्रदान कर रहा है, वीडियो आपको मार्गदर्शन प्रदान करना है। चलने का काम खुद ही करना पड़ेगा, मेहनत खुद ही को करना पड़ेगा अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो। हम मात्र ये जो टीचर समुदाय है, ये मात्र एक माध्यम है, ये मात्र एक तरीका है, मात्र एक मार्ग है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। ठीक है, तो वीडियो को देखते देखते जो भी चीजें मैं आपको बताऊं उसका आप पालन करें अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो। तो जो भी चैप्टर्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं, मैंने पहले भी वीडियो पर कहा है कि आप आर्थिक सर्वेक्षण का जो बुक है, पीडीएफ है या सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी जो भी है आपके पास, उस पर ये सारे चैप्टर्स को एक बार खुद से देखेंगे जरूर। आर्थिक सर्वेक्षण एक चुनौतीपूर्ण भाग था इस तैयारी का, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसा मुझसे कहते हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ी चुनौती इस आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर दिखती है वो ये है कि इतनी मोटी किताब में से, जिसमें सिर्फ आंकड़े ही आंकड़े हैं, गवर्नमेंट के आंकड़े, कौन से आंकड़ों को पढ़ा जाए ये पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और सामान्य तौर से एक मानसिकता बन जाती है कि आर्थिक सर्वेक्षण से कुछ भी रैंडम फैक्ट पूछ लिया जाता है जिसका कोई सर पैर नहीं होता, और आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो भी काफी ज्यादा होता है, तो छात्र इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। लेकिन बात यह है कि कोई भी रैंडम फैक्ट उठाकर नहीं पूछा जाता। 400 पेज की इस आर्थिक सर्वेक्षण की किताब में अनगिनत आंकड़े हैं, लेकिन उन अनगिनत आंकड़ों में से बहुत कम आंकड़े ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो या तो किसी योजना के हैं, या फिर उन आंकड़ों से राज्य में कुछ अचीवमेंट आपको देखने को मिलता है, या उस आंकड़ों से आप राज्य की किसी स्थिति को पहचान पाते हैं, या उन आंकड़ों से आप राज्य के डेवलपमेंट को देख पाते हैं। ऐसे आंकड़े महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं। तो बात यह आती है कि मार्गदर्शन इस प्रकार का होना चाहिए कि छात्रों को बता दिया जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण से ये वाला पार्ट या ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे ये तर्क है, ये वाला स्कीम इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे ये वाला तर्क है। उन तर्कों को समझाया जाए, उन पैटर्न को समझाया जाए, पढ़ने का काम तो स्वयं छात्रों को ही करना होगा। क्लियर है? तो आर्थिक सर्वेक्षण के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती थी वह थी इंपॉर्टेंट फैक्ट को पहचानना, और मैंने इस वीडियो सीरीज के माध्यम से यही प्रयास किया है कि आपको यह समझाऊं, आपको यह बताऊं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट को पहचानते कैसे। उम्मीद है कि काफी हद तक मेरे इस एफर्ट से आप लोगों को लाभ हुआ होगा और आपकी तैयारी अधिक मजबूत हुई होगी इस आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 15 पर पहुंचते हैं। चैप्टर 15 आधारित है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य पर, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य अर्थात छत्तीसगढ़ के निवासियों के स्वास्थ्य। थोड़ा सा इसे स्पष्ट कर दिया जाए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो मई 2016 में। चलिए देख लेते हैं, इस योजना का प्रारंभ राज्य में 9 मई 2016 से किया गया है। क्लियर? तो पहला जो ऑप्शन है वही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस योजना के बारे में बात कर लेते हैं, तो गर्भवती महिलाओं को, आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो माताओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए योजना होगा। तो गर्भवती महिलाओं की गुणवत्ता पूर्वक प्रसव एवं पूर्व जांच एवं जटिल प्रकरणों की समय से पहचान व उपचार हो, इसे पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया 9 मई 2016 को। माँ अगर स्वस्थ होगी तो बच्चे स्वस्थ होंगे। ध्यान दीजिएगा, सामान्य तौर पर ये माताओं के लिए भी है। माताएं क्या करती हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, लेकिन ये सोचना होगा कि अगर बच्चों की सही तरीके से देख रेख करनी होगी तो सबसे पहले तो माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका खुद का स्वास्थ्य बेहतर हो। एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे का पालन पोषण कर सकती है,
पिता भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माताओं की बात हो रही है, देखिए इसे उस डायरेक्शन में ले जाएंगे। एक स्वस्थ बच्चे का अगर देखभाल या एक बच्चे को स्वस्थ रखना है तो माता को स्वस्थ पहले होना होगा। तो माताएं पहले अपने देखभाल करें, अगर अपने बच्चे या अपने परिवार का देखभाल करना है तो माता स्वस्थ होगी, बच्चा स्वस्थ होगा, देश का भविष्य स्वस्थ होगा। क्लियर है? तो माताओं के लिए है, अगर कोई माताएं ये वीडियो देख रही होंगे तो कृपया इस पर थोड़ी देर कुछ सेकंड से ही सोचिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आधारित है भारत एवं छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्म पर है 2015-16 NFHS के आधार पर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आधार पर। देखिए जब राज्य का गठन हुआ उस समय स्थिति कुछ ऐसी थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में यह जो मातृ मृत्यु दर है वो 389 था और भारत में था ये 301। लगातार स्वास्थ्य की स्थिति सुधरते गई, ये कैसे हमने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि ये मातृत्व मृत्यु दर गिरता गया और 2015-16 के सर्वे के आधार पर ये स्थिति चली है। क्लियर है? जो गैप भी था इंडिया के फैक्ट में और छत्तीसगढ़ के फैक्ट में वो भी काफी कम हो गया। अब छत्तीसगढ़ में 141 है और भारत में कितना है 122। ये याद रखिएगा, पहले चैप्टर में भी ये फैक्ट दिया गया है, इस पर मैंने पहले चैप्टर में भी बात किया है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 122 और 141। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पर बात करते हैं, टीकाकरण पर आधारित है। उम्मीद है आने वाले आर्थिक सर्वेक्षण पर, ये आर्थिक सर्वेक्षण नहीं, इसके बाद जो आर्थिक सर्वेक्षण आएगा, अभी तो एक आर्थिक सर्वेक्षण फरवरी में आ जाएगा, लेकिन अभी के प्री के लिए आपको यही पढ़ना है। हाँ, लेकिन अभी के प्री के बाद जो भी एग्जाम राज्य में होंगे उसके लिए आपको आगामी आर्थिक सर्वेक्षण को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा। जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें भी आपको आने वाले आर्थिक सर्वेक्षण पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और उसके बाद जो आर्थिक सर्वेक्षण आएगा अर्थात 2022 में जो आर्थिक सर्वेक्षण आएगा उसमें आपको भर भर के आंकड़े देखने को मिलेंगे इस कोरोना वायरस के, और कोरोना जो वैक्सीनेशन होगा उस पर भी, ठीक है। तो कोरोना वायरस ने सिर्फ पूरे विश्व के स्वास्थ्य पर संकट नहीं डाला है, परीक्षार्थियों की तैयारी पे भी संकट बना दिया है, क्योंकि बहुत नई नई चीजों को पढ़ना होगा, बहुत कुछ अपडेट करना होगा, नई नई कंसेप्ट आएंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगे, उन सारे चीजों को तैयार करना होगा प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी और अदर वन डे एग्जाम के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण टीकाकरण की दर 2015-16 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार कितना है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16। तो कितना है, संपूर्ण टीकाकरण की दर 48.7% 2005-06 में था NFHS 3 के, से बढ़कर 76.4% NFHS 4 2015-16 तक पहुंच गया है। तो टीकाकरण का प्रतिशत काफी ज्यादा बढ़ चुका है 10 सालों में, और सही उत्तर इस प्रश्न का इस प्रकार से क्या होगा, 76.4 जो कि दर्शाया गया है ऑप्शन बी में। क्लियर है? चलिए 2018-19 के भी आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी संपूर्ण आंकड़े इस वर्ष के नहीं आए, इसलिए हम 2015-16 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं उसी पर बात करते हैं, उसी पर आधारित ये प्रश्न भी हमने सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्र बैंक देश में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 से प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने नेत्र बैंक हैं, ठीक है, राज्य में 5 नेत्र बैंक हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, 5 नेत्र बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम चैप्टर सामाजिक सेवाएं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारी योजनाएं दी गई हैं और छत्तीसगढ़ के सामाजिक विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं वो सारी चीजें इस चैप्टर पर दी गई है। क्लियर है? तो चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
राज्य में कब से प्रभावशील है, तो यह राज्य में फरवरी 2009 से प्रभावशील है। आगे भी पढ़ लेते हैं। इस योजना में ध्यान रखिएगा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 79 वर्ष आयु वर्ग की विधवाओं को ₹350 प्रति माह पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों, अगर नगर पालिका, नगर पंचायत है नगर पंचायत, नगर निगम है तो नगर निगम, स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में राशि ₹50 राज्यांश सम्मिलित है, ₹350 प्रति माह, क्लियर है, इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाता है। देखिए समाज कल्याणकारी योजना है। इस प्रश्न पर आते हैं और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित वीडियो सीरीज का भी अंतिम प्रश्न होने वाला है। तीरथ बरत योजना, योजना को दिनांक 4 दिसंबर 2012 से प्रभावशील किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। योजना को दिनांक 4 दिसंबर 2012 से प्रभावशील किया गया, ठीक है, तो पहला कथन क्या हो गया, सही। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के निवासी वरिष्ठ नागरिकों, वशिष्ठ लिखा हुआ है या वरिष्ठ हो गया, ठीक है, नागरिकों, और वो वरिष्ठ नागरिकों का डेफिनेशन भी दिया गया है, 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा शासकीय सहायता से कराई जाएगी। प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा शासकीय सहायता से कराई जाती है। तो दोनों ही कथन इस प्रश्न का सही है, इस तीर्थ बरत योजना पर आधारित। तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन सी। चैप्टर 16 में इतना ही क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बार इन चारों चैप्टर को गो थ्रू जरूर होइएगा, क्लियर है। तो फिर इस वीडियो को समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के इस वीडियो सीरीज को समाप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी, कोई डाउट होगा, तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं, आपकी सहायता के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। अपनी तैयारी पर भी कुछ अगर आपको डाउट हो, अभी एंड टाइम पर स्ट्रेस हो रहा हो या फिर समझ ना आ रहा हो कुछ भी, तो भी आप मुझसे या फिर कॉम्पिटिशन कमेटी के किसी भी सदस्य से सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं कॉम्पिटिशन कमेटी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से। तो चलते हैं, इस वीडियो सीरीज को अब समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे प्रश्न आए एग्जाम में, और जो इतनी मेहनत की गई आप लोगों के द्वारा इस वीडियो को देखने में, नोट्स बनाने में, अगर आप लोगों ने बनाया होगा तो, और दिए गए जो निर्देश थे उसका पालन करने में, उसका कुछ बेहतर आउटपुट निकले। बाकी सारे प्रोग्राम में, बाकी सारे वीडियोस पर मैं आपसे मिलता रहूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।